कुछ सवाल हम देखेंगे जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटित होती है। जैसे पहला सवाल है, दौड़ती हुई गाड़ी से उतरने पर व्यक्ति क्यों गिर जाता है? इसका जवाब है, उतरने वाले व्यक्ति का शरीर गाड़ी के साथ साथ उसी गति से आगे की ओर चल रहा होता है, कूदने पर उसका पांव सड़क पर लगता है तो पांव रुक जाते हैं, परंतु शरीर के अन्य भागों की गति वैसे ही रहती है, जिससे क्या होता है कि आदमी गाड़ी चलने की दिशा में गिर जाता है। तो क्लियर हो गया। अगला सवाल है, अगला प्रश्न जाता है कि नदी के पानी के अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना सरल क्यों होता है, वजह क्या है? तो चूंकि नदी के पानी का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण नदी के पानी में तैरने पर कम उछाल होता है, जबकि समुद्र के पानी में का घनत्व अधिक होने के कारण उछाल का अनुभव ज़्यादा होता है और व्यक्ति सरलता से आसानी से तैर जाता है। अगला है एक और सवाल, हम देखते हैं दौड़ने से हमें गर्मी क्यों लगती है, वजह क्या है कि दौड़ते हैं तो उस वक्त हमें गर्मी लगने लगती है? तो दौड़ते समय हम हवा की ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, यह शरीर में संचित ऊर्जा को बाहर निकालती है, अतः ऊर्जा के निकलने से गर्म लगती है। उसके बाद एक और सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि नाखून और बाल काटने में दर्द क्यों नहीं होता है, आखिर वजह क्या है? नाखून वो बाल जब हम काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, क्या रीज़न है? तो उत्तर इसका समझें कि नाखून और बाल बढ़ जाते हैं तो बढ़े हुए भाग में रक्त प्रवाह रुक जाता है और वह भाग बिल्कुल मृतक हो जाता है, मर जाता है। अर्थात मरे हुए भाग बिल्कुल सुना जाता है और उसको काटने पर हमें दर्द नहीं होता है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।